ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रहीम, शहंशाह कहाँ है? शहंशाह दो जश्न में मसरूफ है अम्मीजान, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हैं? शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जरा वक्त पास लीजिए बेगम, अभी हम तानसेन साहब की मौसीकी का लुत्फ उठा दें। देखिए कितना खूबसूरत गा रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। सलीमा बेगम, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें जरा सा वक्त दे दीजिए, फिर हम आपसे इतना नाम से बात करेंगे। जकीरा जोधा बेगम कहाँ पर है? वो तो अपने आरामगाह की ओर गई है। जोधा बेगम, जोधा बेगम, शहजादे सलीम के बारे में हमें आपको कुछ बताना है। हमने आज एक बहुत ही अजीब सी बात देखी है। जोधा बेगम, जल्दी हमें सलीम के पास चलना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है जोधा बेगम। न जाने रुकैया बेगम ने उन्हें क्या पिला दिया है, जिसे पीकर वो लगभग बेहोश से हो गए हैं। आप किस बात का इंतजार कर रही हैं जोधा बेगम? चलिए हमारे साथ, हमें शहंशाह को भी इस बारे में बताना है। चलिए जोधा बेगम। परंतु सलीमा बेगम, सलीम के लिए दूध तो आप ही लेकर गई थी ना? हाँ जोधा बेगम, दूध हम ही ले गए थे। फिर बताइए, आपने उनके दूध में क्या मिलाया? हमने दूध में कुछ नहीं मिलाया जोधा बेगम। जब हमने दूध वहां पर रखा था तो उसमें केसर के अलावा कुछ और नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा है जोधा बेगम कि रुकैया बेगम ने उस दूध में कुछ मिलाया और शहजादे सलीम को पिलाया। हमें रुकैया बेगम सब कुछ बता चुकी है, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि वो कह रही थी कि ये सब कुछ आपने किया है। आपने उनके दूध में कुछ मिलाया, वो आप पर आरोप लगा ही और आप उन पर। जोधा बेगम, हम हमें समझ नहीं आ रहा किस पर विश्वास करें और किस पर संदेह करें। सलीम, आप दोनों का भी तो बच्चा है, आप दोनों उसकी अम्मी जान है। फिर ऐसी हरकत सलीम के साथ कौन कर सकता है? बताइए, किसने हमारे सलीम के साथ ऐसा व्यवहार किया और क्यों? जोधा बेगम, आप तो जानती हैं, हम सलीम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? प्यारा वो हमें भी है रुकैया बेगम, हमें भी उनकी फिक्र है। सलीमा बेगम, आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। तो अब आप हमें बदनाम कर रही हैं? बस बंद कीजिए आप दोनों बहस करना। हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखता है तो सलीम का स्वास्थ्य। हकीमा साहब, हमारे सलीम दुरुस्त तो हो जाएंगे ना? दवा दे दी है इंशाल्लाह, मगर अफीम का असर खत्म होने वक्त तो लगेगा।
हकीमा साहिबा, हमारा बच्चा कैसा है? उसे कब तक होश आएगा? अफीम का सर खत्म करने के लिए दवा दे दी गई है शहंशाह, कैद भी करवा दिया गया है शहजादे को, पेट से अफीम भी बाहर आ गई है, कुछ ही देर वाली हद को होश आ जाएगा। मैं बाहर ही हूँ, आप शहजादे को देख लें। जितना वक्त लगाएंगे आप दोनों उतना ही हमारा गुस्सा बढ़ता जाएगा, उतनी ही सजा बढ़ेगी आपकी। तो बताएं हमें किसने किया ये? हम कह रहे ना शहंशाह, वो सलीमा बेगम ही थी, यही सलीम को सुलाने आई थी और इन्होंने ही सलीम को दूध दिया है। लेकिन शहंशाह, जब हम वहां पहुंचे तो रुकैया बेगम उन्हें दूध पिला रही थी। हाँ शहंशाह, सलीम को दूध हमने पिलाया। जब हम यहाँ आए तो दूध का गिलास पहले से ही यहाँ रखा हुआ था। हमने सलीम को दूध पिलाया लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस दूध में अफीम मिली हुई है। और जब सलीम बेहोश होने लगे तब हमें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमें तो यकीन ही नहीं आता कि सलीम ऐसा कुछ कर सकती है। तो आप क्या कहना चाहती है मरियम मकानी, कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमारा कहने का ये मतलब नहीं था। बात यह है कि किसी ने शहजादे को अफीम दी है, उनके दूध में मिलाई है, ये काम किसने किया है? हम कह रहे ना, वो सलीमा बेगम। बस अब एक लफ्ज और नहीं। गुनहगार कौन है इस बात का फैसला तब हो जाएगा जब शेखुबा को होश में आएंगे। वो खुद ब खुद बता देंगे कि किसने उनके साथ ऐसा किया। फिलहाल आप दोनों अपने होश में जाएं, जब उन्हें होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। ईश्वर, क्यों बार बार हमारी संतान को लेकर हमारी इतनी परीक्षा लेते हो? क्यों बार बार ऐसी अशुभ घटना घटती है जिसका संबंध हमारे बच्चे सलीम से होता है? कब समाप्त होगा हमारे बच्चे पर से इन संकटों का भंवर? काना, जो भी कष्ट देना है, जो भी पीड़ा देनी हमें दीजिए, हमारे बच्चे सलीम को सदा सुरक्षित रखिए। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए भाभी जान। जब तक मालूम नहीं चल जाता कि सलीम को अफीम किसने दी है, हमें नींद नहीं आएगी गुलबदर। मगर रुकैया ने बताया तो है कि ये सब सलीमा ने किया। मगर हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है कि सलीमा ऐसी हरकत कर सकती है। लेकिन भाभी जान, रुकैया भी तो ऐसा नहीं कर सकती है ना, वो तो सलीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है। खुदा जाने क्या सच है, सलीम भी तो कुछ बता नहीं सकते ना, अभी वो छोटे हैं, उन्हें इन साजिशों के बारे में क्या मालूम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, शहजादे सलीम को होश आ गया।
हमारे बच्चे को अफीम खिलाई गई और ना ही यकीन इस बात का हो रहा है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा करने वाली हमारी बेगमात है। फौरन हमें बताएं कि किसने ऐसा किया और क्यों। सलीमा बेगम, रुकैया बेगम का कहना है कि आपने ऐसा किया, वो आप पर इल्जाम लगा रही हैं, तो बताइए क्या आपने ऐसा किया या नहीं, और किया तो क्यों? क्योंकि शहंशाह ये शहजादे सलीम को नहीं मुराद को वलीहद बनते देखना चाहती थी। ये चाहती थी कि मुराद शहंशाह बने और ये खुद मरियम उर जमानी। इसीलिए शहजादे सलीम को अफीम की लत लगा देना चाहती थी ताकि वो नाकाबिल साबित हो सके। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। खुदा से डरिए रुकैया बेगम, क्यों झूठ बोल रही हैं आप? हम झूठ क्यों बोलेंगे सलीमा बेगम? कहिए, क्या आप शहजादे सलीम को जश्न से नहीं लेकर आई थी? क्या आप उनके लिए दूध नहीं लेकर आई थी? हाँ रुकैया बेगम, हम दूध लेकर आए थे, मगर खुदा की कसम शहंशाह, हमने उसमें अफीम नहीं मिलाई। तो आप कहना क्या चाहती हैं कि ये सब हमने किया है? शहंशाह, हमें इससे क्या फायदा होगा? शहंशाह, हमारी तो कोई औलाद भी नहीं जिसे वलीहद बनते देखने का ख्वाब हम पालें। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे रुकैया बेगम? शहंशाह कितने एहसान हैं हम पर, हम एहसान पर रामोशी नहीं हो सकते हैं शहंशाह। वो तो आपकी जाने सलीमा बेगम, हमें क्या मालूम। हुजूर, शहजादे हुजूर यहाँ मौजूद है। मैं फौरन हमारे पास भेजो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। शेखू बाबा, आइए हमारे पास आइए। आइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शेखू बाबा, आप हमें सच सच बताएं, किस अम्मीजान ने अफीम खिलाई? ये अफीम क्या होता है अबूजान? बेटा, हमारा मतलब है कि आप हमें बताएं कि आपकी इन दोनों अम्मी जान में से वो कौन सी अम्मी जान हैं जो आपको कुछ ऐसा खिलाती हैं जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती है, बेहोशी आने लगती है, बताएं। शेख बाबा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ, बताएं। सलीमा अम्मी जान ने किया है, जब भी वो हमें कुछ खिलाती थी हमें नींद आ जाती थी। देखा शहंशाह, हमने आपसे कहा था ना कि ये गुनाह सलीमा बेगम ने किया है, वो तो हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, इसीलिए इन्होंने ये इल्जाम हम पर डाल दिया।
शहंशाह हमारा यकीन करिए, खुदा की कसम हमने सलीम को कोई अफीम नहीं खिलाई। हमारा यकीन करिए, हम नहीं जानते कि सलीम झूठ क्यों बोल रहे हैं। हमें लगता है कि ये रुकैया बेगम की साजिश है। बस सलीमा बेगम, क्यों करेंगी रुकैया बेगम ऐसा? ठीक कहा उन्होंने, आपके पास ऐसा करने का मकसद भी है। हम सलीमा बेगम से अकेले में बात करना चाहेंगे। सलीमा बेगम बैठिए। क्यों किया आपने ऐसा? हमने ऐसा कुछ नहीं किया शहंशाह। लेकिन रुकैया बेगम का कहना है कि... लेकिन हमारा भी कहना है शहंशाह कि रुकैया बेगम ने ऐसा किया है। आपको उनकी बात पर यकीन है और हमारी बात पर नहीं? और शेखू बाबा ने जो आपकी तरफ उंगली उठाई उसका क्या? आप कहना चाहती हैं कि हमारे शेखू बाबा वो नन्हा सा बच्चा झूठ बोल रहा है? अच्छी तरह जानती है ना कि जब मरहूम खान बाबा का इंतकाल हुआ, हमने आपसे निकाह किया। जितना यकीन हम उन पर करते थे उतना यकीन आप पर बनाए रखा। लेकिन अगर शेखू बाबा का आप पर इशारा नहीं होता तब भी हम शायद रुकैया बेगम की बात पर यकीन ना करते। अफसोस हमें ज्यादा इस बात का नहीं है कि हमारे शेखू बाबा के साथ ऐसा हुआ, तकलीफ हमें ज्यादा इस बात की है कि आपने उनके साथ ऐसा किया। हम नहीं जानते शहंशाह कि शहजादे सलीम ने हम पर उंगली क्यों उठाई, लेकिन जब आप हमें गुनहगार मान ही चुके तो हमें हमारी सफाई में कुछ नहीं कहना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका ये बयान आपको मुजरिम साबित कर देगा और मजबूरन आपको सजा देने के, आपको गिरफ्तार करने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। फिर भी हमारे दिल में एक ऐसा ये मानने को तैयार नहीं है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन क्योंकि शेखू बाबा ने आपकी तरफ इशारा किया है, एक आखिरी बार हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बताइए क्या आपने ऐसा किया है? अगर नहीं तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है? ना हमारे पास कोई सबूत है ना कोई गवाह। नजर बंद कर दो।
तो उस अम्मी जान, लेकिन आप इसी के लायक थी। बेटा आपको भी हम पर यकीन नहीं। नहीं, आपने सलीम को अफीम दिया ताकि मुराद को तख्त मिल सके। आप भूल गई, हम मुराद और सलीम के भाई हैं। हम शहजादे सलीम के अतालिक हैं। शर्म आती है हमें आप पर।